चुग्गा, मेरा चुग्गू, मेरा चुग्गू उठ के आया है। वाह 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 वाह। कल रात को ना, कल रात को बिट्टी इधर इतना तेज फटाका फूट रहा था, धम 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 धम, पूरी नींद खराब हो गई। अभी तुरंत आ रहे हैं बेटी, तुरंत आ रहे हैं। नीचे बारिश है। गाइस तो सुबह सुबह देखो, एक जन को घुमाने के चक्कर में तीन जन को उतरना पड़ता है। चप्पल के जो आगे आगे जब वो पानी आता है ना, तब बहुत खराब लगता है। चलो अब यहाँ से बेटी तुम्हारा पूरा राज है, जाओ। अरे अकेले अकेले करो ना भाई। चलो तुमको झूले पे ले चले, हम झूला झूला झूलेंगे यार, झूला झूला। अरे घास पे चलने में मजा आएगा, अभी गीला होगा। हाँ तो गीला तो क्या हुआ, पैर धुल जाएगा। ये बिल्डिंग जब से विवाद में गई है तब से कंकाल जैसी दिखाई देती है यार। देखो नीम का दर्पण तोड़ ले गया यहाँ से। अगर वही नीम का पेड़ अगर इस तरफ होता ना तो मैं तोड़ लेता। हाँ मैं तोड़ लेता हूँ। ये देखो नरकट नरकट नरकट, हम लोग पहले इसी से लिखते थे, स्याही में डुबो डुबो के। 25 पैसे का एक स्याही की पुड़िया आती थी, उसको पानी में घोलते थे और नरकट जो आज फाउंटेन पेन के तरीके से बन गया है ना, उसी से लिखते थे। भाई मैंने किए हैं यार वो सारे काम। लकड़ी के पट्टी पे भी लिखना होता था, वो भी हमने लिखा है। क्या है ये सर? झूला। झूला। हाँ झूला। क्या है? झूला। झूला कहाँ झूला झूलोगे, वो वाला? अच्छा बेटी यही यही है झूला। बेटी कैसा लग रहा है झूलते हुए? यही है झूला। दूसरा झूला झूल लो भाई साहब। शाम के टाइम पे आ जाओ ना, एक भी झूला खाली नहीं रहता यहाँ पर। बच्चे औरतें तो वहाँ पे आ जाके और कुछ औरतें वहाँ पे ऐसी नौटंकी करेंगी, झूला को विचित्र तरीके से इस्तेमाल करेंगी उनको। मतलब एक्चुअली उधर ना ओपन जिम है, वो ओपन जिम वाला भी सारी चीज़ें हैं, तो वो जब यूज़ करती हैं तो इतना हंसी आता है ना, देखने लायक होता है। खासकर ये स्काई वॉक है, स्काई वॉक साड़ी पहन के दोनों तरफ औरतें जैसे लग रहा है उड़ रही हैं। मत इसको नहीं बैठने देंगे। नहीं इसे जाओ, जाओ वहाँ बैठो। नहीं इधर मत जाओ। कपड़ा लाए हो क्या? देखो थोड़ी देर में बारिश होगी, अब बहुत गर्मी हो रही है, लग रहा है। इधर का तो पूरा मौसम लग ही चुका है, और बस यही बीचों थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर ये भर जाएगा ना तो बारिश होने की संभावना है। क्या बेटू झूला? शाबाश, पूरा स्टोरी निकली। तो भागो भागो बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई। चलो जल्दी भाग चलते हैं, नहीं तो और तेज हो जाएगी। वो सीन अच्छा था जब बिट्टी के सर पे बारिश की बूंदे पड़ रही है और ये सर खुजा रही है अपना, क्या गिर रहा है। चलो मुंडी मत घुमाओ नहीं तो मेरा टोपी चला जाएगा कीचड़ में, फिर तेज हो गया। तुम तेज भाग ही नहीं पा रही हो तो क्या करूँ। भागो रे भागो, जल्दी जल्दी भागो। पीछे पीछे साथ साथ आई हैं। बताइए 9 बजने वाला है, अब हम दोनों जन का मार्केट खुलेगा। कल आप बोले ना सुबह सुबह लेके जाओ, तो इसीलिए सुबह सुबह ले गया, नारियल पानी पिला दिया। अब बताओ अब क्या करें? अब कुछ नहीं। अब कुछ नहीं। इंटरनेट के बिना बहुत परेशान हुआ था, केबल वाला चाहे कितना भी लगवा लो कुछ ना कुछ इशू आता ही था।
तो हमने सोचा कि जियो फाइबर ही लगवा लेते हैं। देखो इतना सारा बॉक्स लेके आया, ऐसा लग रहा है मिठाई का डब्बा रखा हुआ है जियो की तरफ से, मिठाई का डब्बा जियो ने। एक्चुअली 5-5 सेट ऑफ बॉक्स लेके चल रहे हैं ये, और जहाँ जहाँ पे आज इंस्टॉलेशन होगा वहाँ लगाएंगे। देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लिटरली टाटा बहुत पसंद है। टाटा इतना फास्ट इससे पहले लगवाया था, लेकिन ये था कि बहुत महंगा था, उतना मेरे को यूज़ भी नहीं था, इसलिए कहा जियो लगवाते, बहुत सस्ता है जियो। ये सिर्फ वायर चेक करने के लिए, और हमारे यहाँ ये लगेगा, इसमें भी बड़ा है छोटा है, सेटअप बॉक्स है, राउटर है। ओ ये वायर थोड़ा बहुत मेरे पास होगा, कपड़े सुखाने के लिए काम आ जाएगा ये, वो तो किसी काम का नहीं है। इसको दे दो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो बहुत टाइम से कोई कॉमेडी मूवी देखी नहीं। जवान तो कुछ दिन के बाद उस पर आ रही है अब अमेजोन पे, और जो गदर होगी उसमें सिर्फ लड़ाई वड़ाई दिखाएगा। अभी जूस वूस पी के चले, थोड़ा हम पी लेते हैं संतरे की फ्रेश फ्रेश बढ़िया वाली जूस। ओ मिस्टर जोजो, जो तो उसको बोलते मैं टिकट ले लूँ, नहीं तो वो हो जाएगा टिकट सोल्ड आउट, वो कुछ नहीं रहेगा। उसको बोलो 2 गिलास संतरा। ड्रीम गर्ल अभी है ना? हाँ सर, 5 टिकट। हाँ ठीक है, 2 टिकट कैमरे में जे 12 है, उसके ऊपर 3-4 है। ठीक है ये दे दो, 6-7 दे दो। चलो जी, ड्रीम गर्ल 2 के टिकट तो मिल गई जो मैं चाह रहा था। बुक माई शो से बुक नहीं किया बिकॉज वहाँ 40 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे। कहाँ हो मिश्रा जी? बस बढ़िया है। कहाँ हो? सही है, चक्कर मिला दिया। ये भले ही देखो मीरा रोड में है, लेकिन जुहू के बराबर का है ये। अच्छा, और क्या, जुहू का भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना यहाँ है। भाई साहब फिर से मेरा गोप्रो जमा करा लिया। क्या कर रहे हो? शक कर रहे हैं। ओहो। चलो रे भाई, अब ये फिल्म अच्छी होगी। दे दो जी कैमरा, दे दो। तो गाइस अभी रात को मैं दूध लेने के लिए उतरा हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे चाय पीनी है। 4 बजे चाय क्यों पीनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले ये देखो गणपति जी के आने की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से है। ये जगह तो इतनी अच्छी सजेगी बिकॉज कल से ही गणपति आने वाले हैं। हाँ तो चाय इसलिए पीनी है क्योंकि कल जो है ना वो तीज है। कल क्या है? तीज है। तो तीज का व्रत इस साल छूट भी नहीं रह सकती क्योंकि उसका चल रहा है 8वां, तो इसीलिए उसके जगह पर मैं रहूँगा। तो जिस तरीके से मैंने देखा है, मम्मी रहती थी तो सुबह उठ के छेने की मिठाई खा के नारियल पानी पी के और चाय पी करके सुबह 4 बजे, उसके बाद पूरा दिन व्रत रहती थी, पूरा दिन, वो भी निराजल व्रत है, निराजल। तो सुरभि को भी देखा पिछले साल मैंने, उसने भी ऐसे ही किया था, तो इस चीज़ को कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा, मैं नहीं तो सुरभि, तो इसलिए इस साल जो है मैं करूँगा। लेट्स सी टुमारो, कल क्या होता है। तो बस आज प्रॉपर क्लोजिंग करते हैं इस ब्लॉग की, कल देखिए कल के ब्लॉग में मज़ा आएगा, कल मेरी हालत क्या होगी वो सब आपको कल ही पता चलेगा।